नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। नवाब मलिक ने दाऊद के करीबियों से खरीदी जमीन, शरद पवार को सौंपूंगा सारे सबूत, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। समुद्री आवागमन बाधित किया तो कार्रवाई करेगा भारत, चीन का नाम लिए बगैर नौसेना प्रमुख की चेतावनी। रामविलास पासवान और तरुण गोगोई को मरणोपरांत मिला पद्म भूषण, सुमित्रा महाजन को भी किया गया सम्मानित। यूनेस्को की यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट में शामिल हुआ श्रीनगर। झारखंड में 500 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 50,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। बाइक बोर्ड घोटाले में आरोपित को मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं थी सक्रिय भूमिका। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा 4 दिन की भारत यात्रा पर, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने का है मकसद। चीन से सीमा विवाद पर पैनी नजर, सुरक्षा हालात को लेकर बड़ी बैठक करेंगे टॉप आईएएफ अधिकारी। इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज के लिए 17 वैज्ञानिकों को मिला स्वर्ण जयंती फेलोशिप अवार्ड, मिलेगा सभी जरूरी सहायता। तेज प्रताप ने तेजस्वी को फिर बताया अपना अर्जुन, नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन पर दिया आशीर्वाद। पंजाब में फिर उठी हिंदू मंदिर एक्ट की मांग, कैप्टन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, अब चन्नी सरकार से उम्मीद। महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर में मौजूदा खामोशी और शांति सामान्य स्थिति की बहाली का संकेत नहीं। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा 25 दिसंबर तक बनाएगी हर बूथ पर कमेटी, वैक्सीनेशन को लेकर चलेगा हर घर तक दस्तक कार्यक्रम। दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर वार, कहा लोगों की चिंता है तो पेट्रोल डीजल का दाम कम करके दिखाएं। बीएसएफ ने तस्करों के मंसूबे पर फेरा पानी, 10 किलो गांजा सहित 175 बोतल फेंसिडिल जब्त। प्रयागराज में भारत किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने 5 गोली मारी। छठ महापर्व पर 10 नवंबर को उत्तर प्रदेश में रहेगा अवकाश, सीएम योगी ने कहा डीएम करेंगे घोषणा। यूपी सरकार की किसानों के लिए खास योजना, गौशालाएं और स्थानों को पराली देने पर मिलेगी गोबर की खाद। जल शक्ति मंत्री ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री का सपना होगा पूरा, दिसंबर में केन बेतवा से शुरू होगा अभियान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले जरूरत नोटबंदी की नहीं खोटबंदी की, भाजपा को जवाब देगी जनता।
अलीगढ़ में जेब कतरी का मामला आया सामने, किसान से बदमाश ने की लूट। अलीगढ़ में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मालिक से लूट, बदमाश ने 19,45,000 की लूट की। अलीगढ़ में इलाज के दौरान हुई महिला की मौत, आग की लपटों में डॉक्टर के घर से निकली युवती। अलीगढ़ मिनी छिपेटी पर भाजपा का डेरा, उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी, दिनेश शर्मा का अलीगढ़ दौरा। अयोध्या में संजय निषाद के बयान पर भड़के साधु संत, साधु संतों ने भाजपा से की अपील। चंदौली जनपद में दबंगों का कहर, घर में घुसकर की तोड़फोड़। हमीरपुर में नाबालिग किशोरी के साथ हुआ दुष्कर्म, युवक ने नाबालिग का बनाया अश्लील वीडियो। हरदोई में नरेश अग्रवाल ने किया जनसभा को संबोधित, सपा बसपा पर जमकर साधा निशाना। लखनऊ में प्रियंका वाड्रा ने सरकार पर उठाए सवाल, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर बोला हमला। शाहजहांपुर में सीएम योगी के दौरे से पहले पुलिस की पहल, विपक्षी पार्टियों के लगे होल्डिंग बैनर हटवाए। शाहजहांपुर में सीएम योगी दौरे के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद, सपा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर दौरे का करेंगे विरोध। संभल में दो पक्षों में जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। संभल में रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो हुआ वायरल, लेखपाल की कुंडई का ऑडियो हुआ वायरल। सिद्धार्थनगर में वन विभाग की टीम कर रही पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग के दौरान मृत सुअर किया जब्त। सुल्तानपुर दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 16 नवंबर को जाएंगे मोदी सुल्तानपुर। आगरा में सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सपा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। औरैया में चोर ने कसम खेल असम औरैया में चोर ने कसम लिखवाकर चिट्ठी लिखवाई, नकदी की चोरी की। फतेहपुर में दो वाहनों में हुई जोरदार टक्कर, बाइक सवार की हुई मौत। बहराइच में जादू टोने के शक में वृद्ध की निर्मम हत्या, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। बुलंदशहर में चलती ट्रेन से गिरा अज्ञात वृद्ध, गंभीर रूप से हुआ घायल, जीआरपी पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, अस्पताल में मौत। प्रतापगढ़ में समाज कल्याण विभाग के निर्देशक के भाई पर लाठी से हमला, लखनऊ में इलाज के दौरान मौत।
इंटरनेट मीडिया पर खुफिया तंत्र की होगी और पैनी नजर, शासन ने की खास तैयारी। सीएम के आने से पहले मेट्रो का रिसीविंग सब स्टेशन शुरू, मेट्रो स्टेशन और डिपो की होगी आपूर्ति। अवैध ईंट भट्टों की बंदी के लिए अलीगढ़ प्रशासन ने कसी कमर, बैठकों का दौर जारी। योगी सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम, नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों को नहीं लगानी होगी जिलों की परिक्रमा। राष्ट्रपति, पीएम समेत तमाम हस्तियों ने दी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं, कहा विकास के पथ पर अग्रसर है उत्तराखंड। चंपावत में जनता ने शहीदों को किया याद, राज्य आंदोलनकारियों ने दी श्रद्धांजलि। चंपावत में चरस तस्कर हुआ गिरफ्तार, तस्कर के कब्जे में लाखों का चरस बरामद। दौलतपुर में वन माफिया गिरोह का हुआ पर्दाफाश, आरोपियों को विभागीय कर्मचारियों का मिला संरक्षण। देहरादून में हरीश रावत ने किया बड़ा ऐलान, गैरसैंण को राजधानी बनाने का किया ऐलान। पौड़ी गढ़वाल में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हुआ कार्यक्रम। मंगलौर में पैसों की लेन देन में हुई मारपीट, इलाज के दौरान युवक की मौत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, गैरसैंण पर किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग की दुर्दशा पर हरीश रावत ने गोरा पड़ाव में रखा मौन व्रत। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की बढ़ेंगी पेंशन, सीएम धामी ने स्थापना दिवस पर की कई अहम घोषणाएं। गढ़वाल में 15 और कुमाऊं मंडल में 20 से शुरू होगी शहीद सम्मान यात्रा। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में विधायक शुक्ला और पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष नारायण बिष्ट में झड़प। हल्द्वानी में रैली को जगह न मिलने से गुस्साई कांग्रेस ने फूंका सीएम का पुतला, 11 नवंबर को होगा आयोजन। कार्पेट टाइगर रिजर्व में मखना हाथी का हुआ आक्रमक, दो दीवारों को किया क्षतिग्रस्त। देवस्थानम बोर्ड मुद्दा पर तीर्थ पुरोहित करेंगे महापंचायत, बढ़ाएंगे आंदोलन, उत्तराखंड सरकार की मुश्किल बढ़ेगी। चीन ने पाकिस्तान को सौंपा एक अत्याधुनिक युद्धपोत, नाम है पीएनएस तगरिल। ईरान ने सर्वोच्च नेता आयातुल अली खमेनेई को देश की गरीबी से जोड़ने वाले अखबार पर प्रतिबंध लगाया।
अमेरिका में इजरायली दूतावास को लेकर बम की धमकी, लेकिन पुलिस को नहीं मिली कोई खतरनाक सामग्री। भारत से ब्रिटेन जाने वालों को नहीं होना पड़ेगा आइसोलेट, 22 नवंबर को अप्रूवल लिस्ट में शामिल होगा कोवैक्सीन। श्रीलंका में सुप्रीम कोर्ट के सामने कैथोलिक पादरियों ने किया प्रदर्शन। इमरान सरकार ने इस्लामाबाद मंदिर निर्माण पर लगाई रोक, रद्द किया भूमि का आवंटन। पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच हुआ समझौता, टीटीपी अब देश के नागरिकों पर हमले नहीं करेगा। चीन की अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली बनी पहली महिला। दादागिरी पर उतरी चीनी उर्वरक कंपनी, श्रीलंका से मांगे 80 लाख डॉलर, नोटिस भेजकर मांगा हर्जाना। सूडान में सैन्य तख्तापलट के विरोध में लोकतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। किसानों को अब फसल नुकसान पर मिलेगा ज्यादा हर्जाना, सरकार ने बढ़ाई मुआवजे की रकम। कोटक महिंद्रा बैंक ने महंगा किया लोन, अब 6.55% ब्याज दर पर मिलेगा उधार। आरबीआई ने बाबा जी दाते महिला सहकारी बैंक पर लगाई पाबंदी, ग्राहक अब नहीं निकाल सकेंगे 5000 से अधिक रकम। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, बढ़ सकती है आपकी कमाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज बेचेगी अमेरिका में अपनी शेल गैस संपत्ति, समझौते पर किए हस्ताक्षर। पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देगी मोदी सरकार, पेंशन में बढ़ोतरी पर जल्द दिया जाएगा फैसला। स्पाइस जेट की खास सुविधा, अभी एयर टिकट खरीदना, मासिक किश्तों में करें भुगतान। ट्विटर का नया फीचर, आसानी से खोज सकेंगे किसी अकाउंट के पुराने ट्वीट। मोदी सरकार बहुत जल्द पेश करेगी क्रिप्टो करेंसी बिल, क्रिप्टो ट्रेडिंग टैक्स पर भी विचार शुरू। शेयरों का सेटलमेंट अब T+1 सिस्टम से होगा, नया नियम 25 फरवरी 2022 से होगा लागू। की कोचिंग छोड़ने से पहले रवि शास्त्री ने राहुल द्रविड़ की नियुक्ति पर दिया बयान। जीत के साथ खत्म हुआ कोहली शास्त्री युग, टीम इंडिया ने नामीबिया को 9 विकेट से हराया। लहंगा पहनकर सिंधु ने लगाए चुपके सोशल मीडिया पर, थिरकती नजर आई ओलंपिक मेडलिस्ट।
भारतीय खिलाड़ियों के लिए देश से बड़ा है आईपीएल। कपिल देव भड़के, कहा पहले राष्ट्र फिर फ्रेंचाइजी क्रिकेट होना चाहिए, बेहतर योजना बनाए बीसीसीआई। रोहित शर्मा ने छक्के के साथ पूरा किया T21 में 3000 रन, कोहली के बाद एक खास रिकॉर्ड किया अपने नाम। इंग्लैंड को सेमीफाइनल से पहले झटका, जेसन रॉय विश्व कप से बाहर, इस खिलाड़ी को मिली जगह। विराट कोहली ने टीम इंडिया के विजयी विदाई के बाद कहा, अब राहत महसूस कर रहा हूं। रवि शास्त्री बोले, खिलाड़ियों में पेट्रोल डालकर नहीं भगाया जा सकता, 6 महीने बायो बबल में रहकर वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे। T20 वर्ल्ड कप से भारत के बाहर होने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने उड़ाया मजाक, वसीम जाफर ने दिया मुंह तोड़ जवाब। मेगा ऑक्शन में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या सबसे महंगे, T20 वर्ल्ड कप में दिखाया दम। विक्की कौशल, कैटरीना कैफ शादी से पहले बने विराट कोहली अनुष्का शर्मा के पड़ोसी, खरीदा महंगा अपार्टमेंट। पांडे के पति सैम बॉम्बे अरेस्ट, दीवार से दे मारा पत्नी का सिर, अस्पताल में भर्ती। नोटबंदी पर बनी स्मृति कालरा और अमोल पराशर की फिल्म कैश का ट्रेलर रिलीज। रोशन सोड़ी का वर्कआउट मोड शुरू, फैंस बोले त्योहारों में जमकर खाओ फिर जिम जाओ। कंगना रनौत ने पद्मश्री से सम्मानित होते ही शेयर किया वीडियो, बोली पैसे कम दुश्मन ज्यादा कमाए। कोरोना के बाद बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्म बनी सूर्यवंशी, 3 दिन में कमाए 77 करोड़। अजय और अक्षय के बाद विक्की कौशल ने कर दिखाया कमाल, बियर ग्रिल्स के साथ एडवेंचर करते दिखेंगे एक्टर। कमल हासन की फिल्म विक्रम के 48 सेकंड के वीडियो ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट, मिले 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज। रानू मंडल सोशल मीडिया में फिर से छाई, जमकर वायरल हो रहा उनका नया वीडियो। दिशा पाटनी ने किक मारते हुए शेयर किया वीडियो, वहीं उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा, आखिरकार तुमने इसको कर लिया। प्राइम शो तक में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।